जय माँ शक्ति। कुछ बातें ऐसी है जिसे आप भूल कर भी नहीं करेंगे, चाहे जो कोई भी कितना भी कहे, इससे ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, सभी लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ से विजय तिलक लेकर ही आएंगे, आपके जितने दुश्मन है वो दोस्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि दोस्त ही नहीं आपके रिश्तेदार जैसे हो जाएंगे। अगर कितना भी कोई कह ले फिर भी ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पूजा पाठ की तो महत्ता बहुत ही है, सब कोई जानता है। हमारे यहाँ जो वेदों में यज्ञ करने की जो विधि है वह भी बिल्कुल वैज्ञानिक है, बस कर्मकांड नहीं है। उन विधियों में जो वैदिक विधियाँ हैं उनमें बस इच्छा शक्ति प्रबल करने का विधान है। इच्छा तो करो, जब तुम इच्छा करोगे, एक इच्छा और प्रबल इच्छा तो जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, इच्छाओं का अंबार लगा रहता है। जैसे ही एक इच्छा मन में आती है, आप सोचते हो पूरी हो जाए, तब तक पीछे से दिमाग में दूसरी इच्छा सर उठाने लगती है, फिर तीसरी इच्छा सर उठाने लगती है। तो इच्छा की आग्रहता कितने इंटेंस से आप उस इच्छा को अपने आप अंदर ले रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो वेदों में जो विधान है कर्मकांड का, उसमें यही कहा जाता है कि अपनी चेतना पे नियंत्रण करो, उसे जगाओ, और जिस वस्तु के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो उसे चाहने के लिए प्रबल इच्छा करो। उस समय और कोई भी इच्छा ना करो, सिर्फ एक इच्छा करो, जिस इच्छा से तुम यज्ञ कर रहे हो या मंत्र जाप करवा रहे हो, चाहे वह महामृत्युंजय के लिए हो, चाहे पुत्र कामेष्टि हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार की सफलता के लिए यज्ञ हो। पहले ऋषि मुनि लोग यज्ञ कराते थे, वहाँ बैठकर पूरे विधि विधान से होता था, और आपके अंदर एक ही इच्छा, जिस इच्छा से आप यज्ञ करवा रहे हैं वही इच्छा आप आग्रह करते थे और वो इच्छा तत्काल पूर्ण होती है। लेकिन जब हम यहाँ कुछ जाप कराते हैं या आप कहीं कराते हैं, तो मान लीजिए कि हम महामृत्युंजय करवा रहे हैं किसी के जीवन के लिए, तो जीवन को ही सोचिए, उसे और अन्य उसे फल प्राप्त करने की इच्छा मत कीजिए। आपके भाग्य में है तो फल जरूर आ जाएगा। तो हम बतला रहे थे कि आप वह काम कभी भी ना करें, अन्यथा आप खुद परेशानियों में और चक्कर में पड़ जाएंगे। क्या बगला मुखी का जाप आप ना करें। इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके अंदर कुछ झूठ, कुछ फरेब, कुछ और भी अवगुण ना मिलते हो। यह जाप वो करे जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं हो। क्या है कि लोग बगला मुखी का जाप बोलते हैं कि दुश्मनों को पराजित करने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए, मारने के लिए यह जाप कर लो। लेकिन वो दुश्मन को क्यों हराएगा, मारेगा? क्योंकि वह गलत, आपका दुश्मन जो है उसके अंदर कुछ गलत भावनाएं होंगी, तो ये काम करेगा उस पर। लेकिन आपका मंत्र यह नहीं देखेगा कि वही व्यक्ति यह गलत काम कर रहा है। अगर वैसा ही गलत आप कर रहे हैं तो आप पर भी पड़ जाएगा। इसलिए आप बगला मुखी जाप किसी को हराने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कभी ना करें। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कुछ भी हो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे लगे कि आपको क्या चाहिए और मैं आपको क्या बतलाऊं। तो ऐसे ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। जय माता शक्ति।